A delegation of heads of eminent dargahs led by spiritual head of Dargah Ajmer Sharif Diwan Sayyid Zainul Abidin Sahib met Union Home Minister Rajnath Singh yesterday and took the initiative of restoring peace in the Kashmir Valley by spreading the message of Sufism. सारे सिलसिले के लोग जो हैं जिनकी दरगाहों के फाउंडर्स ने अमन और शांति के पैगाम से दुनिया को रूहशनास कराया उस पैगाम को आधार बना करके हम हाजिर हुए हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात के ऊपर बात हुई है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के नौजवानों से बात करेंगे कि किस इस मुल्क से कोई और दूसरा मुल्क अच्छा नहीं है, और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को जो सख्त से सख्त सबक सिखाया जा सकता है वो सिखाएं। दुनिया के अंदर इस पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने इस्लाम की कब्र खोद के रख दी है। इसको जितना कंडेम किया जाए कम है, क्यों कि इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को आप मार रहे हो, इनोसेंट को। कुरान शरीफ ये कहता है कि अगर इस सरजमी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर किसी एक बेगुनाह बच्चे, बच्ची, जवान, बूढ़े का अगर कत्ल किया गया, खून किया गया, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाएगा। फिर ये क्या कर रहे हैं? इसका नाम इस्लाम थोड़ी है। हम कंधे से कंधा मिला के भारत सरकार के साथ में हैं, और पूरा देश का मुसलमान, पूरी खानकाओं के लोग सरकार के साथ में हैं। The spiritual leaders voiced that violence could only bring more suffering and solve no problem of humanity. Even Pakistan ke andar jo na